भाई मैंने ना आपकी वीडियोस में देखा है जिस जिसमें आप बता रहे हो कि प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप बता रहे हो तो आपकी ऑडियंस को तो पता है मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा ना इस बारे में एजुकेट करो कि रियल पिक्चर क्या है देखो कुछ मेजर पॉइंट्स बता के पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं जितना आपने वीडियो में करा है पर छोटे पॉइंट्स में हो जाए अगर तो यार वही जैसे बहुत बड़ी वीडियो बनाई है मैं उसमें भी बचता हूँ छोटी छोटी चीजें बताने से वो क्योंकि हर चीज़ का रेलेवेंस रहता है तो वो वहाँ पे वैसे रहते हैं फिर भी मेजर मैं पॉइंट्स बता देता हूँ जो उसमें मैंने कवर किया लेकिन वो वीडियो देख के जो समझ में आएगा वो ऐसे इतने से नहीं आएगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको तो यार एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है है ना कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे होने चाहिए मतलब अगर वो अच्छे हों इतने अच्छे होने चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में लोगों को ना जाना पड़े तो वो एक क्लास का जो गेम बन गया है कि कैसे प्राइवेट स्कूल में जाने वाला ज़्यादा क्लासी अगर एक सोसाइटी में एक गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है और एक प्राइवेट स्कूल में जा रहा है आपको पता ही है कैसे ट्रीट किया जाता है वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है तो वो क्लास का गेम कैसे बना वो डिस्कस किया मैंने दूसरा पॉलिसी बहुत अच्छी है हमारी इम्प्लीमेंट होने में उनके लिए दिक्कत आती है जैसे कि अगर आपको स्कूल खोलना है तो आपको एज अ चैरिटी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन एज़ एन एन या कोई ट्रस्ट वगैरह बना के तब आप खोल सकते हो ऐसा नहीं कि मैं गया कल को एक बिज़नेस खोला लड़के इकट्ठे करे फीस लेना चालू कर दी ऐसे नहीं है और वो पैसा जो भी बच्चों का आता है वो आप उसी में ही लगाना है आपको ऐसा नहीं कि आपने अपने पास रख दिया उसके जो ट्रस्टी होते हैं वो ऐसा नहीं कि अपने पास रख सकते हैं तो लेकिन उस वीडियो के अंदर कैसे वो पैसा घुमाया जाता है और ट्रस्टी की जेब में कैसे आता है गवर्नमेंट से सब्सिडी के साथ लैंड लिए जाते हैं टैक्स फ्री रहता है सब कुछ रहता है और ये चीज़ क्लिक करी मुझे तब जब मुझे लगा कि यार जब ये एक चैरिटी के लिए काम हो रहा है मतलब कि एक ट्रस्ट है किसी का पर्सनल बेनिफिट नहीं होना जो इससे कमाना इसी में लगाना है तो ये इतना स्ट्रेटजी क्यों लग रही है फीस बढ़ाने में हर आपको पता ही होगा जो लोग आपके अगर घर में होंगे तो हर थोड़े टाइम पे वो ड्रेस चेंज कर देंगे फिर वो जो ड्रेस वाला दुकान वाला है उससे थोड़ा बहुत कांटेक्ट करके उसमें पैसा बनाएंगे हर किताबें चेंज हो जाएंगी बिना मतलब चेंज होती हैं हर साल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है जैसे अमेरिका जैसी कंट्री में सेम किताबें चलती हैं सेम सिलेबस चलता है सिलेबस यहाँ भी सेम रहता है लेकिन कुछ ना कुछ आगे पीछे कर देंगे स्पेसिफ़िक आपको बताएंगे कि यहीं से लेना है प्लस फीस लेट हो जाए उसके लिए ह्यूमिलेट करते हैं बच्चों को वो गलत है ना कि आपको अभी आपने देखी हो अगर वो मूवी हिंदी मीडियम बहुत सही चीज़ बताई है उसमें उन्होंने कि गरीब बच्चों के लिए अलाउड है प्राइवेट स्कूल में पर्टिकुलर कोटा है उसके लिए लेकिन उसमें भी ये लोग दिक्कत करते हैं और जाके कैसे पर्टिकुलर एक एक चीज़ों को उन्होंने प्राइवेट स्कूल में गड़बड़ करी और उससे पैसा बनाया ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस करी है एक बार आप मतलब पूरा डिटेल में देखोगे तो और मजा आएगा ऊपर ऊपर की बात थोड़ी सी वैसी हो जाएगी हाँ नहीं ऑडियंस को अगर जानने और इस बारे में तो नीतीश भाई की वीडियो है इनके चैनल पर जाओ भाई